अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाले हैं। तो जी हाँ, इस अभी जो स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी ये टिकटॉक पे और रील्स पे ट्रेंड में चल रहा है इंडिया में, जैसे टिकटॉक बैन है आप सब लोग को पता होगा, इसलिए अभी ये इंस्टाग्राम के रील्स पे भी ट्रेंड में चल रहा है। तो इसे इंस्टाग्राम के रील्स में कैसे बनाते हैं, इस बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी इस वीडियो का ट्यूटोरियल देख लेते हैं। तो ये वाली वीडियो आपको आपके रील्स में बनाने के लिए, सबसे पहले तो आपको आपका मोबाइल से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद आपको राइट साइड में स्वाइप करना है, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे बहुत सारे इफेक्ट दिखेंगे, तो सारे इफेक्ट को आपको लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है और लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्राउज इफेक्ट करके। तो ब्राउज इफेक्ट के ऑप्शन पर जाना है और ऊपर आपको राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च का। तो सर्च के ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है, उसके ऊपर टैप करके आपको यहाँ पे एक्सप्रेसिफाई ऐसे सर्च करना है। आप स्पेलिंग देख लो, ये स्पेलिंग आपको यहाँ पे सर्च करना है। ये स्पेलिंग आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ये जो आप जो कर्सर अभी मैं जिसके ऊपर मूव कर रहा हूँ, ये वाला इफेक्ट दिखेगा। ये वाला इफेक्ट आपको ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपको नीचे एक डाउनवर्ड एरो आपको दिखेगा। डाउनवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा, जिससे वीडियो आपके मोबाइल के कैमरा में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक आके नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे और एक आपको इफेक्ट दिखेगा जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, उसे भी ओपन करके उसे भी आपको आपके मोबाइल में सेव कर लेना है ये एरो के ऊपर टैप करके। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आओगे तो आपका यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक क्रॉस दिखेगा, तो क्रॉस के ऊपर आपको टैप करना है। क्रॉस के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आपका स्टोरी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाजू में आप स्वाइप करोगे तो यहाँ से आपका रील्स ओपन हो जाएगा। तो ये रील्स आपको ओपन करना है। रील्स ओपन करके सबसे पहले आपको एक ऑडियो का ऑप्शन सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे सर्च म्यूजिक का एक ऑप्शन दिखेगा, सर्च म्यूजिक के ऊपर टैप करके यहाँ पे आपको टाइप करना है GTA सैन एंड्रियास। जैसे अभी यहाँ पे स्पेलिंग देख लो, ये वाला स्पेलिंग आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट जो सॉन्ग है उसे आपको सिलेक्ट करना है, जो थीम सॉन्ग है। उसके बाद आपको डन कर देना है राइट हैंड साइड पे ऊपर। डन करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्माइली जैसा एक फेस दिख रहा है इफेक्ट का ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पर, जहाँ मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे आपने जो इफेक्ट सेव किए थे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे दिखेंगे। तो यहाँ से ये फर्स्ट इफेक्ट मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो ये इफेक्ट पिक करके आपको आपका जो फ्रंट कैमरा है उसे आपको ओपन करना है। आप जैसे ही फ्रंट कैमरा ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका फेस दिखेगा। ये इफेक्ट आप जैसे स्माइल करोगे तो वैसे ही इफेक्ट मतलब इसका इफेक्ट चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये सर्कल के ऊपर टैप करके रखना है। सर्कल के ऊपर टैप कर गया तो आपका वीडियो बन जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से वीडियो बनने के बाद आप इसे एज अ रील अपलोड कर सकते हो। मैं दूसरा भी इफेक्ट आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है। तो अभी मैं बैक आकर मतलब इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। डिस्कार्ड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर एक क्रॉस है, उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके ऊपर टैप करोगे तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके बाद ये जो फिर से आपको इफेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है, इफेक्ट के ऊपर टैप करोगे तो ये जो फर्स्ट जो और एक दूसरा जो इफेक्ट था वो अभी सिलेक्ट करते हैं। वो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक स्माइली फेस का और एक सैड फेस का। तो अभी आप जैसे ही फ्रंट कैमरा ओपन करोगे स्माइली फेस के ऊपर टैप करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, सैड के ऊपर टैप करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। इसे रिकॉर्ड करने के लिए भी आपको ये जो सर्कल का बटन है उसके ऊपर टैप कर सकते हो, या फिर आप इसे टाइमर से भी यूज़ कर सकते हो। टाइमर के लिए घड़ी के ऊपर टैप करके आप यहाँ पे 10 सेकेंड 33 सेकेंड जो भी आपका टाइमर है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे सेट टाइमर के ऊपर आपको टैप करना है। इसके बाद ये सर्कल जो है नीचे का इसके ऊपर आपको सिर्फ एक ही टैप करना है, यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाएगा। जैसे टाइमर एंड हो जाएगा आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। वीडियो को आपका हो जाने के बाद उसे रुकाने के लिए ये सर्कल के ऊपर फिर से आपको एक बार टैप करना है। इसके बाद ये वीडियो लोड होगा। इसके बाद नीचे आपको एक फॉरवर्ड एरो का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। उसके ऊपर टैप करोगे तो ये वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ मर्ज होकर वीडियो आपका रेडी हो जाएगा। इसमें आप इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट ऐड करने के लिए बीच में टैप करके आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। इसके बाद फिर से आपको फॉरवर्ड एरो के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपको कुछ कैप्शन वगैरह ऐड करना है तो कर सकते हो, या यहाँ पे कवर का एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे उसके ऊपर टैप करोगे तो कुछ आप इसका कवर चेंज कर सकते हो। गैलरी से भी आप ऐड कर सकते हो, टैप फ्रॉम ऐड फ्रॉम गैलरी के ऊपर टैप करके गैलरी ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक डन का ऑप्शन दिखेगा, डन के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे शेयर के ऑप्शन पर टैप करोगे ये जो रील है आपका ये आपके फीड पे पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ट्रेंडिंग रील बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।